हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बिम्स्टेक की समिट हुई है काठमांडू में, उसके बारे में, उसके इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन जो भी किए गए हैं उस समिट में, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं मेरे चैनल सूरज स्टडी प्लेनेट पे। ठीक, और आप देख सकते हैं ये जो कंट्रीज हैं उनके फ्लैग्स हैं और जो लीडर्स हैं उनके उनके पिक्स भी मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है, और ये जो मैप है ये मैप दर्शाता है कि जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं उनका मैप है, और ये हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और ये भी जो है बिम्स्टेक का ही लोगो है। तो फ्रेंड्स चलिए चालू करते हैं। आप इस वीडियो में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ, बिल्कुल डीपली नॉलेज के साथ, आपको पूरा बिम्स्टेक के बारे में हर डायमेंशन में जानकारी मिलेगी, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आते हैं बिम्स्टेक से तो वो क्वेश्चन आपका कभी भी छूटे नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो अगर यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो जो मेंस जनरल स्टडीज का पेपर सेकेंड है तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, और जैसे कि अगर आप देखें तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बिम्स्टेक कुड बी अ पोटेंशियल गेम चेंजर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज क्वेस्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आप इसको एलेबोरेट करिए, और अगर आप चाहें तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे इसका आंसर लिख के दे सकते हैं, जिससे कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली बार जो बेसिक्स देखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल। देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है, मल्टी मतलब कई सेक्टर में, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसी का नाम क्या है, बिम्स्टेक। और देखिए जो मेंबर स्टेट हैं बिम्स्टेक के वो हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल। और ये सारी कंट्रीज जो हैं बे ऑफ बंगाल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम भूटान और नेपाल को छोड़ दें तो जितनी भी कंट्रीज हैं वो पूरी पूरी बे ऑफ बंगाल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखिए ये बिम्स्टेक के कंट्रीज का मैप है, जितने भी कंट्रीज हैं इसके अंदर उनका। और देखिए ये जो है बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन हैं वो हैं, और इसके जो चेयरमैनशिप अब से जो है श्रीलंका के पास चली गई है 2018 से। अब तक ये जो चेयरमैनशिप थी ये थी नेपाल के पास, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 6 जून 1997 में हुआ था। और जो इसका सेक्रेटेरिएट है, मतलब एक तेज बोले हेडक्वार्टर जो इसका है वो है ढाका में, बांग्लादेश। देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी हैं, ये नेपाल के पीएम हैं। तो देखिए ये जो है फोर्थ बिम्स्टेक समिट जो काठमांडू में हुआ उसकी पिक है। तो देखिए बात करते हैं ये आखिर बिम्स्टेक न्यूज़ में क्यों है। देखिए रिसेंटली फोर्थ बिम्स्टेक समिट हुई जो कि काठमांडू में कराई गई, कब से, अगस्त 31 से। ठीक है, और यहाँ पे काठमांडू डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया गया जितने भी 7 नेशन के लीडर थे उनके द्वारा। ठीक है, और ये समिट जो है 30 अगस्त 2018 काठमांडू में शुरू हुई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने लिखा है बैकग्राउंड। तो देखिए ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है कि आखिर ये बिम्स्टेक कहाँ से आया, ठीक है, कब इसकी फॉर्मेशन हुई, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात करें तो ये जो है 6 जून 1997 को, ठीक है, बैंकॉक में इसका इसको बनाया गया, और तब इसका नाम था बिस्टेक। बिस्टेक का मतलब था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, 22 दिसंबर 1997 को इसमें म्यांमार भी ऐड हो गया, और जैसे ही म्यांमार ऐड हुआ तो इसका जो नाम था वो बदल के हो गया बिम्स्टेक। और 1988 में नेपाल इसका जो है ऑब्जर्वर स्टेटस, मतलब नेपाल को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। और उसके बाद फरवरी 2004 में नेपाल और भूटान को भी इसका फुल मेंबर बना लिया गया,
और जुलाई 31, 2004 को जब इसकी फर्स्ट समिट हुई थाईलैंड में, तो इसका जो नाम था बिम्स्टेक, इसका नाम तो वही रहा अगर एक्रोनिम की बात करें, लेकिन जो इसका जो मतलब जो मीनिंग था एक्रोनिम का, वो चेंज करके बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो फिर आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिएगा, मैंने सभी चीज़ें काफ़ी इलोबोरेटली डिस्कस करी है। देखिए आगे बात करें, आखिर बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, तो अगर देखा जाए तो ये 1.5 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है पूरे वर्ल्ड के, ठीक है, और वर्ल्ड के 22% पॉपुलेशन इसके अंदर आ जाती है। और जीडीपी के बाद अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो वर्ल्ड की 20.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है इसकी, ठीक है। और देखिए जो लास्ट 5 ईयर में देखा जाए तो बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनकी जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रही वो 6.5%, जो कि ग्लोबली अभी और जो देश हैं उनका जो है वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, लेकिन ये जो है अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे मैंने हेडिंग डाला है परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ये जो है कहाँ सिचुएटेड है, ढाका में, और ये ओपन किया गया था 2014 में, और इंडिया जो है इसका 33% जो एक्सपेंडिचर होता है वो इंडिया प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखिए जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक सेक्टर में, बिम्स्टेक में 14 प्रायोरिटी सेक्टर हैं, ठीक है, और इसको अलग अलग कंट्रीज लीड करती हैं, जो कि अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो देखिए जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसको इंडिया लीड करती है, टूरिज्म को भी इंडिया, काउंटर टेररिज्म को भी इंडिया, और इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इंडिया, एनर्जी को म्यांमार, और बाकी सब आप देख लीजिए। देखिए ये जो चार हैं ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंडिया लीड करती है। और अगर मेजर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो देखिए रोड, रेल, लुक ईस्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये इसके प्रायोरिटी हैं। उसका देखिए कॉस्ट शिपिंग और सॉरी कोस्ट शिपिंग, मतलब जो पानी के जहाज से जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसका देखिए पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन और रीजनल डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड वार्निंग सिस्टम। चलिए अब कुछ और प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो कि बिम्स्टेक के अनुसार काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए जो कलादन मल्टी मॉडल सॉरी मल्टी नोडल होगा, ये मल्टी नोडल प्रोजेक्ट है, ये क्या करेगा, इंडिया और म्यांमार को जोड़ेगा, ठीक है, और इसके लिए इसमें क्या होगा, कोलकाता को सितवे पोर्ट जो कि म्यांमार में है उससे जोड़ा जाएगा। जो सितवे पोर्ट है इसको इंडिया डेवलप करेगा, ठीक है, कहाँ पे, म्यांमार में, और आगे चल के इसको जो है मिजोरम से भी रोड के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। और इंडिया और म्यांमार ने एग्रीमेंट को साइन कर लिया था 2008 में, लेकिन अभी तक ये एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए आगे चलें तो आप देखेंगे एशियन ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्टिंग, वो किसको इसको कनेक्ट करेगा, वो करेगा इंडिया और थाईलैंड को, किसके और कहाँ से होते हुए जाएगा, ये म्यांमार से होते हुए जाएगा, ये जो मोरे जगह है मणिपुर में वहां से होते हुए मायसुत जगह थाईलैंड में है उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है, और ये जो कनेक्टिविटी है इंडिया की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट करेगी, ठीक। बाकी और आगे देखिए देखिए जो BBIN प्रोजेक्ट है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ये जो है ट्रक के द्वारा या व्हीकल के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का, उसके लिए है। इसको अभी तक खाली इसका ट्रायल वर्जन जो है बांग्लादेश और इंडिया ने चलाया है, बाकी और किसी ने चालू नहीं किया, ठीक है, जो और देश हैं उन्होंने अभी चालू नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि बिम्स्टेक की समिट, अभी तक 4 बिम्स्टेक की समिट हुई हैं, ठीक है, जो पहली समिट थी वो हुई थी थाईलैंड के बैंकॉक में, दूसरी हुई थी इंडिया में नई दिल्ली में, कब हुई, 2008 में, तीसरी 2014 में म्यांमार में हुई थी नाइपी दा में, और जो चौथी हुई है वो है नेपाल में 2018 में काठमांडू में, और जो पांचवी होगी वो श्रीलंका के कोलंबो में होगी, कब होगी अभी ये नहीं बताया गया, ठीक है। ये देखिए ये जो पेज है ये बिम्स्टेक की जो ऑफिशियल जो पेज था जो आपकी 2018 की जो फोर्थ समिट जो हुई है उससे लिया गया है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो है टुवार्ड्स अ पीसफुल पीसफुल
प्रोस्पेरस एंड सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन, ये जो है इस साल की थीम है, मतलब इस समिट की थीम है। ठीक, और देखिए आपको तो ये पता ही है कि काठमांडू में ये होगा, ठीक है, और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए थे, और ये मोदी जी की चौथी विजिट थी नेपाल में जब से वो पीएम बने हैं 2014 के बाद से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बात की जा रही काठमांडू में डिक्लेरेशन की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि काठमांडू डिक्लेरेशन सातों देशों ने एक्सेप्ट किया है, तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है पॉवर्टी को एंड करना है 2030 को, ठीक है, और जो यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करना है, और जो एग्रीकल्चर है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इस पर भी हमको काम करना है, और टेररिस्ट एक्टिविटीज को हम ये, मतलब जो है कोई भी जस्टिफिकेशन देते हुए भी इसको जो है नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, टेररिज्म को, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटीज को इस एरिया से बिल्कुल ही खत्म कर देना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे जो काठमांडू डिक्लेरेशन है इसी के बारे में और आगे बात हो रही, तो देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी की बात की गई है, और इम्पोर्टेंस बताई गई है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की। ठीक, तो देखिए ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, टोटल 17 है, ठीक है, तो हमको जो है इन सबको 2030 तक अचीव करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बना दूं कि इसको किस तरीके से याद करें, तो आप बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए जो हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो बिम्स्टेक है इसके जो है 14 प्रायोरिटी सेक्टर तो पहले थे, मैंने जो अभी पहले अभी डिस्कस किए, जिसमें से चार को कौन देखता है, इंडिया देखती है, मतलब चेयर करती है। इसमें दो और प्रायोरिटी सेक्टर जोड़े जाएंगे, जो कौन से हैं, ब्लू इकोनॉमी और माउंटेन इकोनॉमी। माउंटेन इकोनॉमी जैसे कि जो भूटान वगैरह देश हैं, इन पूरा पहाड़ी इलाका है, तो उनके लिए माउंटेन इकोनॉमी भी प्रायोरिटी सेक्टर में ऐड की जाएगी। और जो बिम्स्टेक का जो इम्पोर्टेंस है वो न्यू दिल्ली, मतलब जो इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिए पीएम मोदी ने क्या क्या किया बिम्स्टेक में, उसके बारे में बात करें तो देखिए पीएम मोदी ने जो इन्होंने कमिटमेंट किया था कि नेशनल नॉलेज नेटवर्क बनाएंगे, उस पे उसको बोला कि हम जरूर बनाएंगे, ठीक है, और किसके किसके लिए बनाएंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के लिए, और ये किस फील्ड में रहेगी, फील्ड ऑफ डिजिटल कनेक्टिविटी में, ठीक। और जितने भी बिम्स्टेक के जो देश थे उनको इनवाइट किया है, जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव होगा 2022 में, 2020 में, ठीक है, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर, मतलब उनको गेस्ट की तरह बुलाया गया है, और इंडिया जो है इस इवेंट को होस्ट होस्ट करेगी, ठीक है, और ये होगा अगस्त के महीने में 2020 में, ठीक। और इन्होंने अनाउंस किया है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको जो है बे ऑफ बंगाल का सेंटर बनाएंगे, किसके लिए, आर्ट, कल्चर, मैरीटाइम, लॉज और अदर सब्जेक्ट के रिसर्च के लिए, ठीक। उसके बाद देखिए पीएम मोदी ने भारत नेपाल मैत्री धर्मशाला का भी इनॉग्रेशन किया, ठीक है, कहाँ किया है, ये जो है पशुपति टेम्पल जो है उसके पास, ठीक। उसके बाद देखिए जो अगला जो बिम्स्टेक समिट होगा वो मैंने बताया कि वो कहाँ पे होगा, श्रीलंका में, और अब से जो है जो बिम्स्टेक के चेयरपर्सन होंगे वो होंगे मैत्रीपाला सिरिसेना। अभी श्रीलंका में भी कुछ दिन बाद इलेक्शंस होंगे, उसके बाद देखा जाएगा कौन होगा, लेकिन अभी तो यही फिलहाल रहेंगे, ठीक है। जो फिफ्थ बिम्स्टेक समिट होगी वो कहाँ पे होगी, श्रीलंका में। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे चैनल पे जो भी वीडियोज़ बने उसके बारे में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।